अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? तो इतनी नींद आ रही गाइस, इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही कि क्या ही बोल रहा है मेरे बच्चों की आवाज में। तो हाँ बेटा, सबके चेहरे पर नींद दिखेगी। देखो इसके, इसके देखो इसकी आंखें मोटी मोटी हो गई थी, मैंने काजल ठोक दिया, बाद में इसको टिक्का भी लगा दिया। आजम को भी नींद भरी थी, आजम को भी मैंने काजल ठोक दिया, वालेकुम अस्सलाम, इसको भी मैंने टिक्का लगा दिया। तुमको खाली, इनको खाली नींद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोए कल रात। क्या मैंने भी काजल धो भी, देख रहे हो आप लोग, मैंने भी काजल लगाया, लिपस्टिक लगाना बाकी है। वो गोले का जलन ना अब तक नहीं गया बाबू, क्या गोला। आपको तो टीका लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपकी दिल स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई है और लिप्स भी अंदर से ड्राई हो रहे बोल के ना, वो जो जल गोला खाई थी ना, गोले का जोला, वो जल रहा है। अल्लाह कैसे, अरे ना यहाँ से मेरे को अभी देखो कार में बैठ के लेके जा रहे ना लोनावला की जो एक दो दरगाह देखी थी। गाइस यहाँ पे ना आसपास में मैंने कल ना एक दरगाह देखी थी, एक या दो दरगाह देखी थी, तो जाते जाते सलाम करके जाने का सोची। ओ भाभी बाबू देखो वहाँ पे वाटर रिसोर्ट दिख रहा है। हाँ क्या है वो? रिसोर्ट है, वाटर पार्क है, मतलब फुल वाटर पार्क नहीं है तो, लेकिन ज्यादा उसमें ऑप्शंस थे, रिसोर्ट जैसा ही है, जैसा वाटर किंगडम में वैसा नहीं है। लेकिन मैं 4-5 अच्छे ऑप्शंस है। अब लेकर जाओ फिर। टाइम नहीं उसका। क्या टाइम? लेकर जाओ। उसमें अभी नहीं, अपन मालो नहीं में जाके 1 घंटे का, अभी दरगाह जाने का। नहा धो के फ्रेश है भाई, अभी दरगाह जाएंगे। मैं तो नहीं, तेरे को नहीं नहलाया घर, हम लोग सब तीनों भी जाने नहाए, उस्मा को नहीं नहलाया क्योंकि वो बहुत ढीली है, हम लोग चाह रहे थे बस वो कैसे भी नाश्ता कर ले, तो ऐसा तू घर पे जाके नहा लेना। रुको मैं बता दूँ आप लोगों को, ये देखो इधर वाटर पार्क है, दिखा आप लोगों को, सब लोग खेल रहे देखा, देखे ना आप लोगों ने सब चेक, सब चेक, सब चेक, सब चेक, पक्का ना? हाँ चेक कर लिया। कुछ भी छूटा तुम्हारी मेरी? ठीक है। बाद में ये नहीं बोल रहा है, उसमें चाबी दे बाको, जल्दी दे। पीठ इतनी तरह दो रही, कंटिन्यूसली बैठे बैठे कार में, इतना कल बैठे 4 घंटा, जाने के टाइम पे बैठी, आने के टाइम पे अलग, बैठे बैठे पीठ पर दर्द कर रही, लेकिन मजे बहुत आए माशाल्लाह। मजे किए ना बाबू, अच्छा लगा ना? ये तो नींद ही नहीं जा रही। उसमें की आंखों में नींद है, स्विमिंग पूल के इंतजार में बेचारी सोई नहीं, सो जाना चाहिए। मेरे जैसा ही हाल है ना, ले लो आंख पे ले लो, पेमेंट करने के बाद जाते जो ये रखे बाबू। और दे दो मालूम। सो गाइस देखो यहाँ पे एक दरगाह थी, मैंने ना कल रास्ते में ट्रेवल करते करते देखा था, हजरत कासिम शाह वाली दरगाह आ गए, तो मैंने कल इरादा कर दिया था कि यहाँ पे सलाम करने आऊंगी, तो आई। नहीं खा क्या कर रही हूँ सर, सेंग खाने का मन कर रहा। हाँ जा आ जा। और एक दरगाह का नाम भी इतना प्यारा है,
ये मैंने पहली बार देखा है और मैं पहली बार आई हूँ। काम चल रहा है पर देखो। अस्सलामु अलैकुम। काम चल रहा है। बुजो अंदर मत जा बेटा, यहीं से देख लेते अपन। उसमें रहने दे, उसमें मत जा, अंदर नहीं जाते हैं। अब्बा को जान दे। यहाँ खड़ो, तुम्हारे सीढ़ी पे खड़, सीढ़ी पे, सीढ़ी पे खड़। मैं फोटो खींचती हूँ, इधर देख, मेरे को देख, ठीक है। माशाल्लाह ती वाइट वाइट बन रही है, देख काम चल रहा है। हजरत कासिम शाह वली मस्जिद है और ये मज़ार है, ठीक है। यहाँ क्या है? हाँ तुम बैठो, तुम बैठो, मैं आ रही। मेरे को पूछना मैं मुझे लगा ना। हाँ वही वाला, वही है संगमर भरे। हाँ, मकराना का, मकराना माशाल्लाह। उसमें कपड़े खराब नहीं बता। हाँ भाई लोनावला आओ ना तो यहाँ जरूर आना, बहुत प्यारा खूबसूरत सा वो है और बड़ी सुकून वाली जगह है माशाल्लाह से। ये है मज़ार। तो यहाँ पे फूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं, मार्केट से लाना पड़ेगा। ओके हाँ, आंवला बोलते ना बाबू उसको। नहीं बाबा, आंवला अलग होता है। ये क्या है इसको वाइट जामुन बोलते हम लोग, पता नहीं साइंटिफिक या प्रॉपर एक नाम क्या है। खट्टा रहता ना? नहीं नहीं मीठा रहता है। जाम, जाम ये दो कलर में आता है, एक रेड कलर में और ब्राउनी शेड में और ये वाइट वाला। अच्छा, ये थोड़ा हल्का फीका और मीठा रहता है। चलो अच्छा सही बोला उन्होंने, जिसका बुलावा रहता ना वही आ पाता है। और ना अपने को क्या पता था यहाँ दरगाह, अपन कितने बार आए लोनावला। आम सही में बहुत है यहाँ पे, और कुछ भी फ्रूट है ऊपर। अरे बाप रे, आम क्या हो जाऊंग, दबा गए बाबू। आम है के पेरू है क्या है वो ऊपर ऊपर? अरे वो लकड़ी पे डाली पे। अरे वो जंगली फूट है, ये बोले जड़ पे लगा हुआ है। हाँ जंगली है, नीचे पे है भी जड़ पे पास। ओके पहले मैंने लगता था कि अंजीर है। ऐसे खड़े रहे, देख देख आम को देख, मैं फोटो खींचती हूँ। ये देखो ये क्या लेके जा, आम मिले झाड़ के, आम फूटे ले, लेकिन गिरेंगे तो फूट जाते ना, ऊपर से गिरते ना फूट जाते, फूट जाते थे, खराब तो नहीं देखे ना? खराब नहीं है, है ना? कितने सारे आम के झाड़ है यहाँ पे,
देखो मैं दिखाती रुको, ये देखो गिरेगा तो डायरेक्ट खाड़ी में ही गिरेगा उसका आम। ये देखो कितने सारे आम है, इनको कैमरे में बताने का नहीं बाबा, इनको पकड़ना है गाड़ी खोलना। एक यहाँ है दरगाह, ये कौन सी दरगाह है अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। हाँ चलो जाते हैं, मैं तो जाऊँ। ये है हजरत सैयद सिद्दीक शाह वली राहे दरगाह, अंदर जा क्या हो जाओ उसमें, इधर उधर कहीं मत जा। अंदर मत जा बेटा, जाने दे अब्बा को। दरगाह बेटा यहाँ पे ना बैठ नमाज पढ़ते हैं, और देखा आगे मजार, देखा बग है ना अंदर। यहाँ पे एक स्टोर है, बिल्ली लाडुली है, ये देख यहाँ पे मुर्गी है, और बाकी जानवर हाँ देखी मेरी बेटी को बिल्ली मिल गई, लग गए वो काम पे। क्यों रोया तू, इसको नीचे रख रहा था ना। अच्छा मैंने अभी फिलहाल के लिए दो आमलेट पाव बोली और एक मैगी बोली उज़्मा के लिए, तब तलक जो बेक लेके आओ। अभी आंटी बनाएंगे हम लोग के लिए अंडा पाव, और यहाँ पे मेरी फैमिली बैठी है सुकून से, बहुत कमर बहुत दर्द हो रही है और अभी 4-5 घंटा कार में बैठना बोले तो मेरे को बहुत भारी पड़ रहा है। ये 206 साल पुरानी मजार है। तो गाइज ये अपना आमलेट पाव आ गया है, आंटी बहुत मेहनत से बनाए, ये देखो देख रहे हो है ना। आइए गाइज आप लोग भी खाने के लिए। गरम मैगी नीचे वाली जो लाइन आएगी वो गरम लगेगी। तू बैठ के क्यों नहीं खा रही, सीट बड़ी है नहीं नहीं एक्चुअली उसका मुंह नहीं पहुंच रहा कटोरे तक के, चेयर पे बैठ रही है। तो सो गाइस हम लोग वहां से निकल चुके हैं दरगाह से, और यहाँ पहुंच गए हैं खंडाला घाट व्यू पॉइंट जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ से हम जा रहे मुंबई, रास्ते में पड़ रही है हमारी। हाँ आरे कॉलोनी के ऐसे एकदम से मना नहीं कर देते बाबा, उसमें वो रास्ते में नहीं पड़ती, इसको दरगाह नहीं जाना है, इसको ना वो दही चाहिए तबेले से लस्सी समझे। गाइज
वालेकुम अस्सलाम, आदम ने सलाम किया। उतना क्या कर रही है? हम लोग मुंबई में आ चुके हैं, अब घर पहुंच जाएंगे हम लोग एक आध घंटे में, डेढ़ घंटे में। मतलब इतना लंबा सफर तय करने के बाद सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग ये ट्रैफिक पे। यहाँ पे किलोमीटर कम रहता है, टाइमिंग ज्यादा दिखाता है। ना बाबू कितना किलोमीटर दिखा रहा? 22 किलोमीटर डेढ़ घंटा। 22 किलोमीटर डेढ़ घंटा। और कल हम लोग ने कितना किलो? 88 किलोमीटर ना। 88 किलोमीटर डेढ़ घंटे में ट्रैवल करके आए थे पुणे से लोनावला। तो ऐसा होता है गाइस। कोई नहीं, गर्म हो रहा है, एसी चालू थी अब तक के कार की। ये बोली एसी बंद करो, इसको बाहर मुंडिया डाल के नजारे करना, अंदर रहे। आदम आदम आकर चटनी इसमें गिराने के लिए चाहिए सब। मुंह देखो उसका, आदम का। बस नहीं करो बेटा, चम्मच नहीं करो, उसमें चम्मच रख लेता बस। और फैंटा सॉस वो लेगा, स्लाइस सॉरी स्लाइस विथ स्ट्रॉ। हाँ, इसके लिए तो मैंने लेकर ही तुम लोग को यहाँ पे बाबा। सुबह से गए हम लोग ने कुछ नहीं खाया, वो अंडा पाव के बाद। तो हम लोग डायरेक्ट मालोनी में उतरे और खाना खाने बैठे, खाना खा के घर जाएंगे। अभी 6 बज रहे। अच्छी मुंबई पहुंचने के बाद, मुंबई हम लोग पहुंचे थे 3:15 बजे और मुंबई से मालोनी पहुंचे हम लोग 5:30-6 बजे। कितने घंटे लग गया मुंबई के अंदर ही? कितना टाइम लग गया? नहीं हो बस बस उधर रख दो। क्या रोज तू क्या करवा रही है ये? अब तू खत्म करेगी? हाँ आजम चुप। अस्सलामु अलैकुम। घर की खुशबू आ रही है कि इनके सुसुओं की खुशबू आ रही है? इनके सुसुओं की खुशबू आ रही है। वो चादर पे खड़े रहेंगे लोग ने। अम्मी क्या निशान? वो कर और लाइट चालू कर, पंखा चालू कर। पूरी बदबू बदबू कर दिए। निशा को तो भेजी थी मैं, बोली झाड़ू जमीन कर ले, फिर भी बदबू क्यों आ रही थी? बहुत बदबू आ रही भाई घर के अंदर। गैस पूरे घर में झाड़ू जमीन करवाने के लिए भेजी थी। किसमें खाना दिया अम्मी? देखो अपुन इसमें खाना डाल के खाते हैं ना। जान दे, कम से कम ध्यान तो रखी बिल्लियों का। ऐसा है गैस, दिन में 2 टाइम कोई ना कोई आके लोगों को खाना दे रहा था। बाबू जरा आजम को पकड़ो, मेरे हाथ से फेंक लो। कभी जीनी आई, कभी रियाज आया, कभी निशा आई, कोई ना कोई आके लोगों को खाना दे के जा रहा था बिल्लियों को। देख सकते आप लोग। हाँ छतर अभी पहली फुर्सत में निकालो बाबा, बहुत बाज भी सारी है। ये देखो इसमें खाना, अभी निशा आज दे के गए लोगों खाना, भर भर के खाना रख के गए थे हम लोग घर के अंदर। हटू तुम्हें जरा। चलो गए, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह के फजलो करम से हम लोग सही सलामत घर पहुंच गए हैं। तो ऐसा है, पानी रखी थी कि नहीं मोरी में? पानी है ना। इन लोग ने खूब ये बेड पे, देख रहे हो आप लोग गए, इन लोग सोए हुए हैं, लीड़े हुए हैं, पूरा पीला पीला दिख रहा है बात। ये कलर ये देखो, कलर कलर देख रहे हो कितना फर्क है। सी चलो अल्लाह हाफिज बाय। तो अजी जी 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 मैं कभी ना, अभी वॉमिट हो जाएगी ऐसा लग रहा है। ऐसी बात सारी घर में क्या मेरे को ऐसी बात सारी ना घर में? यार बेडरूम बेडरूम बंद था ना, शुक्र है। हाँ इधर बात नहीं आ रही, इधर अच्छा है।
बाहर। हाँ चलो, ये वाला बेडरूम तो मैसेज रहेगा क्योंकि हम लोग ऐसे निकले थे। हाँ ये देखो, देखिए। चलो गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। और ये है हमारा किचन, ठीक है। आने से पहले ही फोन कर दी मेरी, देख भाई हम लोग आने वाले, तो जा घर साफ कर दे फटाफट से, ये मुझे पता था गंदगी मची होगी। धूल आती ना बहुत, घर बंद रहेगा तो ऐसा है।